पीएम मोदी G20 के बैठक में गए, वहां उन्होंने भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया, लेकिन अपने संबोधन में उन्होंने एक खास शख्स का नाम लिया, वो भी एक बार नहीं बल्कि तीन तीन बार। अब सवाल है कि यह व्यक्ति कौन है और पीएम मोदी इनकी प्रशंसा पर प्रशंसा क्यों किए जा रहे थे। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं हम पीएम मोदी को। वायन वायन दिव्या और आगोस इंदिरा उदयन जी, उनको जब पद्म सम्मान मिला था तो मुझे उनके बारे में काफी कुछ जानने का, निर्णय करने से पहले मुझे काफी कुछ उनके विषय में जानने का मौका मिला। आगोस इंदिरा उदयन जी आप भली भांति परिचित हैं उनसे, और आज यहां मौजूद भी हैं। वो बाली में महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। अगस्त इंद्र उदयन इंडोनेशिया के रहने वाले हैं, लेकिन वो भारत से पूरी तरह प्रभावित हैं। वो भारतीय संस्कृति से काफी जुड़े हुए हैं। साल 2020 में उन्हें सामाजिक काम के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए, खास रूप से गांधीवादी मूल्यों के प्रचार और प्रसार के लिए भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया। पीएम मोदी की तरफ से जब उनकी तारीफ हुई, वो सामने बैठे हुए थे, ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुनिए उन्होंने पीएम की प्रशंसा के बाद क्या कुछ कहा है। या रियली हॉनर फॉर मी हाउ द व्हाट इज नेम हिज एक्सीलेंसी मोदी जी एज द व्हाट इज नेम द रियल लीडर। आई लव हिम वेरी मच देन आई एम व्हाट इज नेम गेट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन देन व्हेन ही से माय नेम ऑलमोस्ट 3 times दैट इज द ग्रेट व्हाट इज नेम tears was coming. I'm very happy with this. Then I learned actually the work should be not big but sincere service like Gandhi. When we are in sincere service then the people will recognize us. No need, let's we start. Then many time I talk also we are learn when the what is in the corona, when the pandemic, so many things we are learn how the Mahatma Gandhi mostly we use hand. Nowadays the young boys use the mobile phone and all this thing more of the time. Let's now we go so many land empty like you see in Bali nowadays after corona becoming green and people is becoming farmer is very what is name normal for them nowadays. They are very happy we are farmer, be a farmer, not like before is second class or third class. Then is so many things Mahatma Gandhi work actually we can it's not just your father nation. उदयन के बाली और लोम्बाक में 4 आश्रम हैं जो अहिंसा, मानवता, सत्यवादिता के गांधीवादी सिद्धांतों का पालन करते हुए मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। इन्हीं उपलब्धियों के कारण भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा था। और फिर जब पीएम मोदी खुद G20 की बैठक के लिए बाली पहुंचे तो उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।